हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को यूपी के गोरखपुर जिले के क्रिकेट कोच दुर्गेश चौधरी से रूबरू कराऊंगा। ये है क्रिकेट कोच दुर्गेश सर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर से क्रिकेट के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके सर, तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार चौधरी है, मैं गोरखपुर से हूँ क्रिकेट कोच। मेरी क्रिकेट एकेडमी है, सरमाउन क्रिकेट एकेडमी। हाँ, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये क्रिकेट एकेडमी। मैं जो है, मेरा यूट्यूब चैनल है क्रिकेट होलिक दुर्गेश। जी जी आप जी। लोग सारी वीडियो और प्रैक्टिस कैसे होती है, अच्छे प्लेयर के लिए क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल एक बिल्कुल, स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे खेलने के लिए प्लेयर को कैसी मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल, तो कितना वो जो है वर्क करना चाहिए, कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस, अच्छी डाइट, अच्छी फिटनेस, अच्छे कोच, अच्छे इक्विपमेंट्स, सारे सामान, सारी सुविधाओं के साथ प्रैक्टिस करेंगे तब वो मुकाम आपको अचीव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी सर। चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल क्रिकेट होलिक दुर्गेश पे मिल जाएगी। तो आप लोग सर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सर, जैसे कि हम लोग के इंडिया में बहुत से सारे जैसे विलेज में जो लोग हैं बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट खेलते हैं गांव में, लेकिन उन लोग को सुविधा नहीं मिलता है। मतलब कैसे नेशनल लेवल में कैसे खेलना है, इंडियन टीम में कैसे सेलेक्ट क्वालिफाई करेंगे, मतलब वहाँ पे उनको नेशनल के लिए खेलेंगे, मतलब गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, अच्छे हाँ, कोचिंग हाँ, नहीं मिल हाँ, पाते। अगर आपको अपने स्टेट के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, आईपीएल खेलना है, तो कम से कम 6 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे कोच, अच्छा ग्राउंड, अच्छा विकेट, बॉलिंग मशीन, सारी सुविधाओं के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, तब तो आप उसके लिए सोचिए कि हाँ क्रिकेट बहुत टफ जॉब है, पढ़ाई से भी ज़्यादा मेहनत करना है, फिट रहना है, तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे खिलाड़ी को करना पड़ेगा, तब जाके जो है मतलब आप सपना देखिए क्रिकेट खेलने का। हाँ, नेशनल टीम में खेल सकते हैं। नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए कैसे कैसे प्रोसेस क्या है इसका, जैसे कि आप नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले आपको जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग यूपी में आते हैं तो हमारा क्रिकेट एसोसिएशन है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। जी जी बिल्कुल। उसका फॉर्म आता है, हम लोगों को फॉर्म मिलता है, उसके बाद हम लोग उसको फॉर्म अपने डिस्ट्रिक्ट में भरते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रायल होता है, फिर मंडल पे होता है, फिर जोन की टीम बनती है, वो सारे जोन से जाकर मैच खेलती है, उसमें जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं उनको जो है स्टेट लेवल के लिए बुलाया जाता है, बुलाया जाता है, तो उनका जो कैंप लगता है कानपुर ग्रीन पार्क में कैंप लगता है, उसमें उन लोगों का सिलेक्शन होता है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको नेशनल, हाँ, उसके लिए सारी सुविधाएं फिर से अच्छी बीसीसीआई की हो जाती है, बीसीसीआई का रजिस्टर्ड प्लेयर हो जाता है। हाँ, के सारी सुविधाएं हैं क्रिकेट के लिए। बहुत बढ़िया सर। ये सर, आज मेरे दर्शकों को ये बताइए क्रिकेट के बेसिक बैटिंग और बॉलिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, ताकि हम लोग भी अच्छे से खेल सकें थोड़ा बहुत गांव में, और आपसे कुछ सीख सकें। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा क्रिकेट में स्टांस के बारे में। तो जो पैर हम लोगों का होता है वो हम लोग जितना शोल्डर होता है उतना ही चौड़ा होता है, और ऐसे करके पैर को फैला लेते हैं और ग्रिप को जो है वी शेप में पकड़ते हैं। राइट हैंड सपोर्ट के लिए होता है और लेफ्ट हैंड टाइट पकड़ते हैं, और जिधर बॉल को खेलते हैं उधर जो है राइट हैंड का बस पीछे से सपोर्ट होता है। पैर को आगे निकालते हैं, टो, नी, एल्बो और हेड तीनों एक दिशा में होना चाहिए। दोबारा देखिए आप लोग, टो, नी, एल्बो और हेड, हेड स्टिल होना चाहिए और बैट का फेस ग्राउंड की तरफ होना चाहिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रिप के बारे में, बैटिंग ग्रिप, ग्रिप सही तरीके से कैसे पकड़ते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। राइट हैंड को वर्टिकल बोलते हैं, लेफ्ट हैंड को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। स्टांस लेते हैं,
हेड जो है स्टिल रहता है, बॉल के लाइन में जाते हैं और देखते हैं, फिर बैट को ला के पैड के थोड़ा सा बगल में बॉल पे लड़ने देते हैं। तो ये है आपका फॉरवर्ड डिफेंस। ओके, तो ये हो गया फॉरवर्ड डिफेंस। तो सर आप मुझे कवर ड्राइव के बारे में कुछ बताइए। कवर ड्राइव के लिए हम स्टांस लेते हैं, हेड स्टिल रहता है, बॉल जब ऑफ स्टम्प के बाहर आती है कवर्स के एरिए में, तब जो है मेरा पैर बॉल के लाइन में जाता है और पीछे से बैट लाते हैं। बेंडिंग एल्बो होना चाहिए, बैट को आगे नहीं फेंकना होता है, एल्बो आपका बैंड होना चाहिए, ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए। ये है कवर ड्राइव। और सर बॉलिंग के ग्रिप के बारे में भी बता दीजिए। बॉलिंग के लिए मीडियम पेसर के लिए जो ग्रिप होता है, सीम के दोनों साइड दोनों फिंगर्स होते हैं और आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ होता है और बैक से पीछे से बॉल को लाते हैं, ये मीडियम पेसर के लिए होता है। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ आपको स्पिनर्स के लिए, ऑफ ब्रेक स्पिनर्स की ग्रिप जो है, फिंगर्स में ऐसे बॉल को फंसाते हैं फिर बॉल फेंकते हैं, ऐसे लेग ब्रेक भी जो है फेंकते हैं। सीमर्स, देखिए सीमर्स की ग्रिप है ये, दोनों सिलाई जो होती है उसके अगल बगल जो है बॉल को रखते हैं, और स्पिनर्स जो है ऐसे क्रॉस सिम बॉल को पकड़ते हैं फिंगर्स में अपने, लेग ब्रेक ऐसे फेंकता है, राइट आर्म ऐसे फेंकता है, ये स्पिनर्स की ग्रिप है। तो गाइस आज का वीडियो इतने में ही समाप्त होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो। बाय एवरीवन। बाय बाय बाय।